देख रहे हैं भारत अफसान न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस पार्टी के सभासद पद के उम्मीदवार समीर अलवे से खास बातचीत संवाददाता राशिद खान की। समीर अलवे ने बताया, मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरा हूं और माननीय राहुल गांधी के आदेशों का पालन करते हुए उन्हीं की राह पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने अपने वार्ड में बहुत सारी कमियों को तलाश किया है, जिससे पानी का जलभराव, नालियों की साफ सफाई, बिजली के खंभे, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मेरे मुद्दे होंगे। और कुछ क्या कहा, देखिए इस खास खबर में। तेज हो गई है, इसी के चलते हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी समीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत करके समझेंगे कौन सी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और किन किन नंबर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या किन किन बातों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझते हैं। समीर, जैसे कि वार्ड नंबर 9 से आप प्रत्याशी हैं, तो कौन सी पार्टी? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ मोहम्मद समीर अलवी। मैंने अपने मोहल्ले में पहले बहुत ज़्यादा गंदगी, रास्तों में पानी भरना और लाइटों का खम्भों का लाइट नहीं होना, बहुत सारी समस्या देखने के अनुसार मैं आज खड़ा हुआ हूँ वार्ड नंबर 9 से सभासद पद के उम्मीदवार हूँ। अच्छा समीर भाई, तो तुम विकास को लेकर भी चुनाव लड़ोगे या फिर और? जी, मैं विकास को लेकर चुनाव लड़ूंगा हूँ, और कोई मेरी कोई वजह नहीं है। कोई नेता यही कहता है कि मैं विकास को लेकर चुनाव लड़ूंगा, मैं भी विकास कराऊंगा, अभी तक किसी ने विकास से पहले जितने का होगा, क्या लगता है तुम किस तरह से खड़े उतर पाओगे? जी, अपनी मेहनत से जितना से जितना हो जाएगा संघर्ष करूंगा लोगों के, बस केवल मुझे साथ का चाहिए, साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कांग्रेस पार्टी के चुनी? कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है और मजबूत पार्टी है। राहुल जी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है, हाथ जोड़ो यात्रा भी निकाली है, तो उनके साथ हूँ मैं और मैं साथ। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, सारी समीर भाई रोक दूंगा। मैं अपने मोहल्ले में अगर किसी व्यक्ति को भी आगे रात को भी 1 बजे, फिर रात 2 बजे तक, आधी रात में कभी किसी भी टाइम जरूरत पड़ेगी, मैं उसके उनके लिए साथ हूँ, अपने समाज के लिए सबके साथ हूँ और सभी समाज के साथ खड़ा हूँ। आधी रात को भी मैं जैसे मेरा काम पड़ेगा मैं हमेशा हमेशा खड़ा रहूँगा। इसी के चलते मैं विकास की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने विकास देखा, यहाँ पर काफ़ी गंदगी, मैं जिस दिन प्रत्याशी बनकर आऊँगा उस दिन मैं विकास को लेकर सबसे पहले मुद्दा उठाऊँगा और यहाँ पर विकास काफ़ी धूमधाम से कराऊँगा। इसी के चलते मैं राशिद खान भारत तानी हूँ, जानेंगे उनसे समीर भाई के बारे में। क्या नाम? मेरा नाम रहमत अली, मैं राजीव गांधी पंचायत काज कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के जिला? जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। माननीय हमारे समीर भाई विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजीव गांधी पंचायत। समीर भाई खड़े उतर पाएंगे? देखिए, जनता का विश्वास होता है और जनता का विश्वास जीत कर आदमी खड़ा हो सकता है। आज भी रात के 1 बजे कोई भी इनके पास आता है, उनके भाई दोस्त बेटा बनकर आधी रात को भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। पार्टी से इसने तारीफ करेंगे वैसी तारीफ करें? नहीं, मैंने इनका काम देखा है, मैंने इनके संग क्यों लिए रास्ते में, इन्होंने फोन करके बताया है भाई आज वहाँ कोई काम होगा है, तहसील का, थाने का, ब्लॉक का, ये हमेशा उस संघर्ष में लगे रहते हैं। मैं अब अपने पदाधिकारी के नाते से ना, इनके काम के नाते से मैं काम के नाते। अच्छा, हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे तानी भाई के लिए? मैं समीर भाई के लिए यही कहना चाहता हूँ, ये नए युवा हैं, ये अपने वार्ड के लिए मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी मेंबर आते हैं। तो आप किसी पार्टी के हैं समीर भाई के या दूसरे पार्टी के? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। वार्ड के रहने वाले यही के समीर भाई? जी, मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। अच्छा, मैं जिला महासचिव हूँ। तो क्या लगता है समीर भाई खड़े उतर पाएंगे, किस तरह से कह रहे हैं आप समीर भाई खड़े उतर पाएंगे, क्या कुछ देना तुमने? हमने समीर भाई की मेहनत देखी, ये समीर भाई मेहनत करने में सबसे अव्वल है। जब भी किसी को काम पड़ता है, थाने का, कचहरी का, तो समीर भाई खड़े रहते हैं हर वक्त 24 घंटे। कभी भी इन्हें समीर भाई को फ़ोन कर देते हैं जब ये हमारे साथ में चलने को तैयार हो जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि समीर भाई को वोट दे करके उनको फतेह दिलाएं, उन्हें जीत दिलाएं। जी इंशाल्लाह, मुझे पूरी इनसे उम्मीद है। जैसा कि मैंने यहाँ आकर रेस्पॉन्स देखा है, सभी बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों ने इनका
पुरजोर दिल से स्वागत करा है और ऐसी मेरे को आशा है कि आने वाली 11 तारीख में इन्हें जो है बहुत अच्छी वोटें मिलने वाली हैं और सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी समाज से भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर यहाँ मौजूद है और इंशाल्लाह समीर भाई की जीत होगी और मुझे इनसे आशा है कि जीत कर ये जो है विकास का कार्य करेंगे। जो बहुत सारी कमी यहाँ पर मैंने देखी है अपनी आँखों से पिछले कई काफ़ी समय से, जो है यहाँ पर साफ़ सफाई ठीक से नहीं हो रही है और खंभों पे लाइट मौजूद नहीं है, परेशानियाँ हैं लोगों को, रात में महिलाएं को निकलने में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, मक्खी मच्छरों का बहुत प्रकोप है और मौसम की तब्दीली है, यहाँ पर जो है बीमारियों का भी जो है प्रकोप हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में नगर पालिका परिषद में सभासद बनकर जब ये आए तो जो है सभी विकास के कार्य जो है मुस्तैदी से करें और अपने जो है वार्ड का नाम रोशन करें, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करें, कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करें। धन्यवाद।